आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं हूं आपके साथ जागृति खंडवाल। नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन विधि विधान से मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। माता चंद्रघंटा की क्या है पूजन विधि, माता चंद्रघंटा को क्या क्या अर्पित करें, क्या भोग लगाएं, कैसे करें आरती, ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखिए खास पेशकश। नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा माँ के चंद्रघंटा रूप की पूजा की जाती है। नौ दिनों तक चलने वाली नवरात्रि के दौरान माँ के नौ रूपों की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा राक्षसों का वध करने के लिए जानी जाती हैं। मान्यता है कि वो अपने भक्तों के दुखों को दूर करती है, इसलिए उनके हाथों में धनुष, त्रिशूल, तलवार और गदा होता है। देवी चंद्रघंटा के सिर पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र नजर आता है, इसी वजह से श्रद्धालु उन्हें चंद्रघंटा कहकर बुलाते हैं। माँ चंद्रघंटा की आराधना ओम देवी चंद्रघंटाई नमः का जाप करके की जाती है। इसमें आवाहन, आसन, पाद्य आचमन, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रूई, हल्दी, सिंदूर, दूर्वा आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा, मंत्र, पुष्पांजलि आदि करी माता चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, धूप, पुष्प अर्पित करें। माँ को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। नवरात्रि के हर दिन नियम से दुर्गा चालीसा और दुर्गा आरती करें। हम दुआ करते हैं कि आप सभी की मनोकामनाएं माँ दुर्गा पूरी करें। वही हमारे सहयोगी जगदीश प्रजापति कालावारी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदीश, आपसे जानना चाहिए आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, क्या कुछ खास मंदिरों में आज किया जा रहा है? प्राचीन दुर्गा मंदिर मंदिर की खासियत है की 22 साल से जो हर होता है यहाँ पर चल रही है, कस्टम में भी काफी उत्साह है, देखने को मिला है। सुबह 4 बजे जो मंदिर के द्वारा खोल दिए जाते हैं, क्योंकि कोरोना काल के चलते पिछले 2 साल से जो भक्तों का जो नवरात्रि का जो पर्व था उसको कई ढंग से नहीं मना पाए थे, जिसको लेकर कई ना कई भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, माँ चंद्रघंटा का जो भक्त रखा जाता है, माता का बड़ा प्रेरणादायक जो है रूप है। और अगर माता का आज का जो पूजन की बात करें तो आज के दिन माता के पूजन के घर में शांति में समृद्धि जो बनी रहती है, और माता का जो रूप है वह राक्षसों का विनाश करने वाला स्वरूप है जो माना जाता है। हमारे साथ में पंडित जी मौजूद है, हम उनसे जाना चाहते हैं किस तरह से जो वास्तव में रखा जाए, किस तरह से जो माता का पूजन व्यक्त करना चाहिए, किस तरह की जो विधि है और जो पूजा पाठ का जो टाइम है वो क्या रहेगा। पंडित जी, किस तरह की माता पूजन किया नमस्ते 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 आज देवी माँ के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा पूजा जाती है। पूजा में उन्हें वीर का भोग लगाया जाता है और दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाया जाता है और सुनहरे रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। अगर सुनहरे वस्त्र ना हो तो पीले रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं, क्योंकि माता का जो स्वरूप है वो सोने की तरह चमकीला है, स्वर्ण की तरह है, इसलिए चमकीले और स्वर्ण जैसे कपड़े पहने जाएंगे, पीले रंग के कपड़े पहनने जाएंगे और फूल जो उनको चमेली का फूल या पीले गुलाब का फूल चढ़ाना चाहिए। भक्तों में एक खास शरीर में रहते हैं कि किस तरह का भोजन है भक्तों के दौरान जो करना चाहिए। भक्तों के दौरान देखते तो फलाहार या दूध वगैरह नहीं पीना चाहिए, ज्यादातर अनाज नहीं खाना चाहिए। माता का जो पूजन है भक्त के समय किस समय जो है फल फ्रूट खाना चाहिए, फलाहार एक टाइम करना चाहिए। जबकि जैसा आपने पंडित जी ने बताया कि जो फल का फल आ रहा है वो शाम को वही करना चाहिए और माता के पूजन के बाद जो माता को भोग लगाकर उसके बाद है जो फलाहार ग्रहण करना चाहिए। और माता पूजन की विधि उन्होंने बताया कि सुनहरी रंग के वस्त्र है जो पहनने चाहिए, माता को जो दूध दही का प्रसाद है वह चढ़ाना चाहिए भक्तों को। इस तरह से उन्होंने बताया कि माता की किस तरह से पूजन करना चाहिए। जी
जी बिल्कुल जगदीश, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, ऐसे में मंदिरों में श्रद्धालु भी पहुंच रहे होंगे, श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना है, क्योंकि शारदीय नवरात्रि ये चल रही है, ऐसे में श्रद्धालु का क्या कुछ कहना है। बिल्कुल, अगर मैं काला वाली अंक की बात करूं तो काला वाली अंक में एक पता है कि नवरात्रों के दिनों में लोग हैं मंदिर में माता देवी माता देखने के बाद अपने घर में जाकर पूजा पाठ है जो अपना भक्तों की संख्या सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक जो है मंदिर में दिखती है। उसके बाद क्योंकि 8 बजे लोगों ने अपने अपने दुकानें खोली होती है, बाजारों में जो रोनक लगी होती है, उस कहीं ना कहीं जो भक्तों का पूजा पाठ करके सुबह 8 बजे से पहले पहले है जो अपनी दुकानों पर अपने कामों पर चले जाती है। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक है जो भक्तों की गुरु मंदिरों में देखने मिलती है, और भक्तों में काफी उत्साह है जो देखने को सुबह क्या मिलता है। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ जगदीश ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि कई लोग जो है वो इस समय पर दुर्गा माँ की प्रतिमा भी अपने घर पर स्थापित करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल, नवरात्र जिलों में माँ दुर्गा की जो मूर्ति की स्थापना है वो अपने घर में की जाती है, उसको लेकर लोग हैं जो पूजा पाठ किया जाता है, और लोगों घर घर जो है माँ दुर्गा का जो पूजन है उनके गुणगुण से जो गुणगान है वह किए जाते हैं, कन्याओं का जो पूजन है वह किया जाता है। कई घरों में तो देखा जाता है कि हर रोज जो है एक डेढ़ या दो कन्या का पूजन या तीन दो से बढ़कर कन्याओं का पूजन है जो किया जाता है, और देखा जाता है कालावली में देखा जाता है कि गौ सेवा को इन दिनों में काफी महत्व है जो किया जाता है। कहीं ना कहीं नवरात्रों के दिनों में जो कन्या और गौ माता की पूजा खास विशेष रूप से की जाती है। जी बिल्कुल, और जगदीश जिस तरह से जो मंदिर के आसपास जो व्यापारी हैं उनका क्या कुछ कहना है, उनमें किस तरह की जो है लहर देखी जा रही है। जी जगदीश ये जानना चाहेंगे कि जो मंदिर के आसपास दुकानदार हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 साल से जहां कोरोना से उनका भी काम जो है वो काफी प्रभावित रहा, और ऐसे में अब त्योहारों का सीजन आ रहा है, उनका इसमें क्या कुछ कहना है। जी बिल्कुल जागृति, बाजारों में जो है रौनक है, क्योंकि नवरात्रों का त्योहार पूर्ण रूप से मनाया जाता है, दुकानों को काफी अच्छी तरह से सजाया गया है। दुकानदारों का कहना है कि अब की बार बाजार में रौनक जरूर लौटे, क्योंकि माता की सिंगरी नारियल का प्रसाद में अभी माता का श्रृंगार है जो दुकानों पर सजा हुआ दिखाई देता है, और दुकानदारों में भी काफी रौनक है दिख रही है, क्योंकि कोरोना के चलते पिछले आर्थिक मंदी के चलते दुकानदारों को काफी नुकसान हुआ था, उसको लेकर अब की बात जो है काफी उत्साह दुकानदारों में दिख रहा है, क्योंकि नवरात्रि का जो पर्व है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, नवरात्रि पर्व के बाद दशहरा और दशहरे के बाद दीपावली काफी त्योहारों की रौनक है, उसको लेकर बाजारों में रौनक लगी हुई है, उसको लेकर बरसाती के चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं खुले नजर आ रहे हैं। जी जागृति, यहाँ पर मनाया जाता है, उसके साथ ही साथ कई जगहों पर जो है रावण का पुतला दहन भी किया जाता है, ऐसे में इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं। कालावाली की बात करें तो कालावाली में काफी समय से जो है रावण के पुतले का दहन है जो संस्था या प्रशासन की ओर से या बड़ी नहीं मनाया जाता, छोटे छोटे बच्चे या गली कोनों में देखा जाता है कि रावण का पुतला बनाया जाता है, कहीं कहीं ना कहीं प्रशासन की अलग बिल्कुल जरूर देखी जा रही है। अगर रेलवे पुलिस चौकी की बात करें तो उनकी ओर से हर क्योंकि त्योहारी सीखना रही आने वाले हर व्यक्ति की चेकिंग की जाती है, अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो वह भी चौकन्ने पर जो निगाह है वह बनाए हुए हैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल पुलिस प्रशासन अलर्ट दिखाई दे रहा है, वही प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की ओर से भी काफी जो है अलर्टेशन दिखाई दे रहा है। अगर हम नगरपालिका की बात करें तो जो नगरपालिका कमिश्नर है उन्होंने कल दौरा किया त्योहारी सीजन को लेकर जी जगदीश, और यहाँ पर गुरुग्राम से ब्यूरो हेड सुशील भी हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, क्या कुछ खास मंदिरों में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, कोई विशेष खास नहीं है, जब हमेशा जिस तरह होता है उस तरह आज भी भीड़ वही है, और वैसे ही लोग आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी बिल्कुल सुशील, और साथ ही साथ जिस तरह से 9 दिन जो है वो नवरात्रि का पूजन किया जाएगा, उसके बाद 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है, ऐसे में कई जगहों पर रावण का दहन भी देखने को मिलता है, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल रही है, प्रशासन इसमें क्या कुछ तैयारियां करता नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए कई जगहों पर रावण का पुतला दहन होता है, और इसको लेकर परमिशन की व्यवस्था होती है लोगों से, और लोग परमिशन लेते हैं, और उसके बाद रावण दहन की तैयारी करते हैं।
जी बिल्कुल। और सुशील, जिस तरह से आपकी मंदिर में जो है पंडित जी से भी बातचीत हुई होगी, ऐसे में आज नवरात्रि के तीसरे दिन क्या कुछ पूजा की विधि रखनी चाहिए और किस तरह से जो है तीसरे दिन का व्रत किया जाता है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है? आप बिल्कुल देखिए, आज चंद्रघंटा के रूप में मां चंद्रघंटा का आज पूजा अर्चना की जाती है और लेकर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं और अपनी यहाँ माता का दर्शन करते हैं और दर्शन कर पूजा अर्चना करते हैं। जी बिल्कुल। और वहाँ पर जिस तरह से शीतला माता मंदिर में आप इस वक्त मौजूद हैं और इसको एक शक्तिपीठ के रूप से भी जाना जाता है, तो वहाँ पर कई जो है श्रद्धालु भी पहुँच रहे होंगे, ऐसे में श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, देखिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और वहाँ यहाँ आकर माता का दर्शन करते हैं और माँ का दर्शन इसमें कर रहे हैं। श्रद्धालु दूर दूर से आए हैं और तमाम मंदिर में व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल। और प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां वहाँ पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से सभी पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं और लोगों के आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है कि कोई ऐसा नियंत्रण न तरह की कोई गड़बड़ी न हो। जी। और सुशील, जिस तरह से जो है बीते दिनों मौसम ने भी करवट बदली और ऐसे में अब किस तरह का वहां पर जो है मौसम देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं नवरात्रों में जो त्योहार का सीजन ये देखा जा रहा है, ऐसे में व्यापारियों को भी कई उम्मीदें रहती है, तो किस तरह का वहां पर जो है मौसम नजर आ रहा है और क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, तीन दिनों तक बरसात हुई जागृति, उसके बाद अभी मौसम बिल्कुल खुला हुआ है। जी सुशील, क्योंकि त्योहार का सीजन है, एक तरफ जहां नवरात्रि शुरू हो चुकी है तो वही नवरात्रि के बाद दशहरा भी आने वाला है, ऐसे में बाजारों में किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए कोरोना के बाद से अभी रौनक है बाजारों में, बाजार खुले हुए हैं और तमाम जो अभी की आवश्यकता नहीं आ रहे हैं, बाजारों में काफी सजावट है और रौनक देखी जाए। जी बिल्कुल। और सुशील, जिस तरह से जो है 9 दिन ये पूजन रहने वाला है, ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे कि मंदिरों में क्या कुछ खास किया जा रहा है, क्योंकि 9 दिन ये व्रत रहने वाला है, ऐसे में किस तरह का भोज वहां पर जो है किसी तरह का भोज वहां पर आयोजित किया जा रहा हो या इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए मंदिर 9 दिनों का शारदीय नवरात्र है और देवी पाठक है, भक्त हैं जो आते हैं मंदिर में और प्रशासन तमाम तरह की व्यवस्थाएं किया हुआ है, जैसे रक्षा की हो तो नवरात्रि का आज तीसरा दिन है, ऐसे में तीसरे दिन में विशेष रूप से माता चंद्रघंटा को पूजा जाता है। वही आपको बता दें कि कई तरह से जो है इसको खास भी माना जाता है। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सवारी तो है लाल चुनरी, चलती शेर की सवारी तो है लाल चुनरी, सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर वन औषधि एवं एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है स्वस्थ परिवार से, और परिवार को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी होती है माताओं की, इसके लिए माताओं का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से प्रदेश की महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल का बीड़ा उठाया है उत्तराखंड सरकार ने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में महिलाओं की सेहत का ध्यान रखने के लिए कई तरह की योजनाओं और कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। ऐसी ही एक योजना है महालक्ष्मी योजना, जिसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को प्रसव के बाद उनके और नवजात शिशु के लिए 2 महालक्ष्मी किट वितरित किए जाते हैं। प्रदेश की गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की माताओं को पोषण युक्त आहार मुहैया कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना चलाई जा रही है, ताकि माताओं की सेहत रहे तंदुरुस्त। इसके अलावा केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके लिए सीधे उनके खाते में लगभग 2.5 करोड़ रुपए की धनराशि DBT के माध्यम से ट्रांसफर की जा रही है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना और मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों में लाखों बच्चों को पौष्टिक भोजन, दूध, फल और अंडे का आहार देकर
माताओं के साथ उनके बच्चों के स्वास्थ्य की भी देखभाल की जा रही है। माताओं की अच्छी सेहत के लिए पौष्टिक आहार, मातृशक्ति का मान बढ़ा रही उत्तराखंड सरकार। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरे जैसी मेरी अपनी पताका, पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होना चाहिए। विमल बोलो जुबान कैसे। सवारी तो है लाल चुनरी, सर की शेर की सवारी तो है लाल चुनरी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और आज कर रहे हैं नवरात्रि के तीसरे दिन की। आज के दिन माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या कुछ पूजा विधि रहनी चाहिए, क्या माता को अर्पित करना चाहिए, ये भी हमने आपको बताया। साथ ही आपको बता दें कि नवरात्रों का विशेष महत्व भी माना जाता है। ऐसे में 9 दिन के पूजन के बाद, 9 दिन के व्रत के बाद 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। उस दिन रावण का पुतला दहन भी किया जाता है। तो वहीं हमारे सहयोगी सुशील भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, आपसे भी जानना चाहेंगे जिस तरह से तीसरा दिन जो है वो माता चंद्रघंटा का माना जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है, क्या किस तरह से जो है पूजा करनी चाहिए और क्या एक मंत्र जो है वो खास रहने वाला है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरह से आप मंदिर में मौजूद हो, ऐसे में पंडित जी से क्या कुछ आपकी बातचीत हुई, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए आज माँ चंद्रघंटा का तीसरा रूप है, शक्ति स्वरूप का। और आज तीसरे दिन माता को पूजा की जाती है। जैसा की बताया गया है शास्त्रों में, पुराणों में, कि प्रथम शैलपुत्री भूतिम गंधारणी तृतीय चंद्रघंटा, यानी प्रथम सारा हिमालय के यहाँ माँ प्रति के स्वरूप का, शक्ति स्वरूप का जन्म होता है और इसके शैलपुत्री नाम होता है। उसके बाद तीसरे दिन वो भगवान शंकर नारद मुनि जिस तरह से बताते हैं कि आप भगवान शंकर को अपने पति के रूप में पा सकती हैं, तब में लीन हो जाती है और हजारों सालों तक कठिन तपस्या के बाद में भगवान शंकर को पति पाती है। और उसके बाद का ये तीसरा स्वरूप है माता का, और ये स्वरूप इसलिए खास है कि जो मंत्र है, जो श्रद्धालु है, आपने कहा ओम भी चंद्रघंटाय नमः मंत्र है, जिसके जितना भी भाषा जो उपासक है उसका जाप करते हैं। और आज का जो स्वरूप है उसमें माता पर चंद्रघंटा नाम इसलिए पड़ा कि चंद्र आधा चंद्र माथे पर मंत्र कर रहा है। और सवारी तीसरा भी स्वरूप है कि जिसमें माता भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के बाद तीसरा जो रूप है उसको दलन के लिए उन्होंने तीसरे सवारी की है। आज 10 हाथ इस रूप में देख सकते हैं हम, इसके जो रूप है 10 हाथ है, जिसमें एक हाथ में जहाँ कमल के फूल और जल के माला है, वहीं बाकी जो हाथ है वस्त्र परिपूर्ण है। यानी आज का दिन बेहद खास भी माना जाता है और जिसकी जागृति आज बुधवार है। और बुधवार अमूमन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है, चंद्र जी को समर्पित बुधवार होता है। और आज ये बड़ा सौभाग्य हो बुधवार ऐसा संयोग बनता है, बुधवार हो और माँ चंद्रघंटा का स्वरूप का पूजा का पूजा हो और पूजन विधि के साथ पूजा अर्चना हो। दूसरी तरफ आज इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो भी मनोकामनाएं होती है, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और साथ ही ये स्वरूप ऐसा है कि एक तरफ माता मनोकामना पूरी करती है और साथ साथ ही अगर कोई भक्त उसके ऊपर कोई दुख संकट या किसी का प्रभाव है या दरिद्रता है, उन सबको दूर करती है माता इस स्वरूप की पूजा अर्चना। जहाँ तक पूजा अर्चना की विधि की बात आप कह रही है, तो आज निश्चित तौर से केसर के खीर का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, दूध के बड़ी मिठाइयों को चढ़ाया जाता है और माँ की पूजा अर्चना की जाती है। आज अमूमन नखरे करके कहते हैं वो पहनकर, या आप पीला वस्त्र धारण कर सकते हैं, ऐसे धारण कर अगर आप पूजा अर्चना करते हैं किसी स्थान के साथ, तो निश्चित तौर से माता उससे आपसे माता की कृपा पर मंगती है। अब हम खड़े हैं शीतला माता दरबार में और आपसे सबसे पहले मैं उनको माता का दर्शन जरूर करें। आप उससे भी जानेंगे क्योंकि ये देखिए ये अलग अलग रूपों में माता की पूजा और त्योहार अलग अलग सजाया जाता है मंदिरों को। आज जिस तरह से माता को सजाया गया है,
आज फूलों के आधार पर जहाँ फूल और उससे देखते हैं, आज माता को फलों के आधार पर सजाया गया है। और इन फलों के आधार पर आपको दिखाएं कि तमाम भक्त हैं, तमाम जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, ईश्वर से ही यहाँ आकर तांता लगाए हुए हैं और आकर दर्शन कर रहे हैं। 24 घंटे मंदिर को खोला गया है और 24 घंटे तक मंदिर खुले रहते हैं और जितने भी भक्त हैं वो आपके आमंत्रण का दर्शन करते हैं। व्यवस्था है वो तमाम व्यवस्थाएं समस्या उसको लेकर भी काफी कुछ किया गया है और ये सभी शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है और यहाँ आकर जो दर्शन करते हैं तमाम जो यहाँ आकर दर्शन करते हैं उनका आकर करते हैं फल मिलता है, फल मिलता है। और ये बोलते हैं कि सभी कहा जाता है लोग भी पूजा अर्चना करते हैं वहाँ पे सभी कल्याण उन्हें भी काफी फल मिलता है। तमाम पुजारी हैं और लाखों की भीड़ एक दिन और अगर हम 9 दिनों की बात करें तो 9 दिन 3 दिनों तक ज्यादा से ज्यादा लोग श्रद्धालु पूरे देश से आते हैं और माता की पूजा अर्चना करते हैं। खासकर मुंडन की यहाँ बहुत ज्यादा प्रधानता है कि लोग आते हैं और अपनी जो मन्नत होती है वो मुंडन कर वो मन्नतों को पूरा करते हैं। जी बिल्कुल जी सुशील, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे कि नवरात्रि के मौके पर कई लोग जो है वो दुर्गा की प्रतिमा को भी घर पर लाते, ऐसे में उसकी पूजा अर्चना भी की जाती है। सुशील आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जगदीश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।